हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मतलब ये टॉपिक पे बात कर लेंगे कि एम्ब्रॉय का कोई जेनेटिक टेस्ट भी होता है क्या? अगर कोई IVF कर रहा है तो उसका मन में सवाल ये ज़रूर रहेगा कि एम्ब्रॉय का कोई जेनेटिक टेस्ट होता है, ये क्या होता है? अगर आपका इनफर्टिलिटी आप फेस कर रहे हैं तो आपका तो जेनेटिक टेस्ट होता ही है। हस्बैंड का, वाइफ का कैरियोटाइप नाम का एक टेस्ट होता है, क्रोमोजोन टेस्ट किया जाता है, तो ये तो होता ही हस्बैंड का, वाइफ का। बट उसके साथ भी क्या एम्ब्रॉय का जेनेटिक टेस्ट होता है? तो ये टॉपिक पे मैं बताऊंगी, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करूंगी। जब मैं गई थी फर्स्ट इंदिरा IVF, तो मुझे क्या बोला गया था वहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं गई थी तो वहाँ पे मेरा रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा था, मतलब लगातार 2-3 मिसकैरेज हो गया था। तब मुझे मेरा भी कैरियोटाइप टेस्ट हुआ था हस्बैंड का मेरा, तो उसमें कोई इशूज़ नहीं था, बेसिकली उसमें प्रॉब्लम नहीं था। बट वहाँ पर जो मैम थे वो बोले कि बहुत टाइम ऐसा भी होता है, माँ बाप का कोई इशू नहीं रहता है, कैरियोटाइप टेस्ट नॉर्मल आता है, बट बेबी का जो है एम्ब्रॉय जो बनता है उसका कहीं बार निकल जाता है कुछ इशू, जिसके वजह से वो इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो हम लोग ये टेस्ट भी कर लेंगे, जिसे PGTA टेस्ट बोलते हैं। मैं पहले एक वीडियो बनाई थी, PGTA टेस्ट उसी को बोलते हैं, एम्ब्रॉय टेस्ट भी बोला जाता है, एम्ब्रॉय का जेनेटिक टेस्ट। तो ये होता है। तो अगर हाँ, और एक चीज़ है, ये जो है सबका टेस्ट, सब एम्ब्रॉय का टेस्ट नहीं होता है। जो बहुत बेस्ट एम्ब्रॉय होता है, जैसे AA होता है, और AB+ एम्ब्रॉय का ही टेस्ट किया जाता है। तो ये मैं बता दूँगी ड्रॉ करके, अभी तो नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आप लोग को किस एम्ब्रॉय का जो है जेनेटिक टेस्ट होगा। तो ऐसा भी होता है, एम्ब्रॉय का जेनेटिक टेस्ट होता है। पहले वो इम्प्लांट करने से पहले ही देख लेते हैं, अगर कोई जेनेटिक इशू होता है तो वो एम्ब्रॉय को इम्प्लांट नहीं करेंगे, नेक्स्ट एम्ब्रॉय देखेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें कुछ इशू नहीं निकलता है, बहुत रेयर निकलता है। अगर किसी का मिसकैरेज हिस्ट्री है देन उनके लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी हो जाता है जेनेटिक टेस्ट करवाना। तो मुझे भी बोला गया था PGTA टेस्ट के लिए, बट मेरा जो है एम्ब्रॉय इतना अच्छा नहीं बना है, जिसके वजह से मेरा PGTA टेस्ट, एम्ब्रॉय का जेनेटिक टेस्ट नहीं हो पाया। इसके लिए मुझे बहुत मतलब सैड फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मिसकैरेज हो रहा था। अगर अच्छा एम्ब्रॉय बन जाता तो मेरा जेनेटिक टेस्ट हो जाता एम्ब्रॉय का, तो मैं भी थोड़ा मतलब मेरा मन में भी थोड़ा संतुष्टि हो जाता, हाँ मेरा बेबी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो है नहीं हो पाया, बड़ी एज जो है नहीं हो पाया। फिर भी देखते हैं, अभी भी भगवान क्या करते हैं मेरा साथ। मैं तो देखती हूँ, मेरा हाथ में तो कुछ है नहीं, तो देखती हूँ आगे डे बाय डे मेरा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, आज का ये ब्लॉग्स मेरा अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप ये चैनल में नए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे आगे IVF के रिलेटेड वीडियो मिलते जाएगी। थैंक यू।